एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में डिटेल के अंदर, कि हम व्हाइल लूप को अच्छी तरीके से जानेंगे कि ये व्हाइल लूप होता क्या है। ओके, लास्ट वीडियो हमने थोड़ा सा बताया था, इसके अंदर आज हम फ्लो चार्ट, इसके सिंटैक्स का एक छोटा सा एग्जाम्पल, इन सारों के बारे में बात करेंगे। ओके, और कल आपको व्हाइल लूप के ही प्रोग्राम इकट्ठे करके, मतलब 3-4 प्रोग्राम आपको इकट्ठे सॉल्व करके एक ही वीडियो समझा दूंगा, जिससे आपको व्हाइल लूप की प्रैक्टिस हो जाएगी, व्हाइल लूप होता क्या है अच्छी तरीके से। ओके, अब आते हैं हम व्हाइल लूप के ऊपर। व्हाइल लूप क्या है? व्हाइल लूप इज़ अ प्री टेस्ट लूप। प्री टेस्ट लूप का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। प्री टेस्ट लूप का मतलब होता है ये पहले ही चेक कर लेता कंडीशन को, है ना। आप डू व्हाइल पढ़ोगे तो उसमें एंड में करता है। व्हाइल में क्या होता है, ये पहले चेक कर लेता है कि कंडीशन सही है कि नहीं है। अगर सही है तो एग्जीक्यूट करेगा, सही नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, इसीलिए इसे बोलते हैं प्री टेस्ट लूप। ओके, इट फर्स्ट टेस्ट अ स्पेसिफाइड कंडीशन एक्सप्रेशन। वही वाली बात, ये पहले अपनी कंडीशन को चेक करता है। सबसे पहले ये कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन सही है कि नहीं है, ठीक है। एंड एज लोगों ने कहा, कंडीशनल एक्सपीरियंस इज ट्रू, एक्सप्रेशन इज ट्रू, है ना, लूप बॉडी स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अब जब हमारी कंडीशन अगर ट्रू हो गई है, ओके, तो ये एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एग्जीक्यूट नहीं करता। अब इसका सिंपली इजी सा सिंटैक्स देखिए। अब व्हाइल लूप है, व्हाइल लूप के अंदर हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी, कंडीशन है ना, एक कंडीशन देनी पड़ेगी आपको, कि कुछ भी आप दे सकते हो। जैसे एग्जांपल मैंने बता रखा है, एग्जांपल एग्जांपल समझो, फिर कंडीशन ये आपको सिंटैक्स खुद ही समझ में आ जाएगा। ये देखो एग्जांपल में क्या है, इंट में हमने वैल्यू दी आई इज इक्वल टू जीरो, आई की वैल्यू क्या है, जीरो है शुरू में। तो व्हाइल के अंदर हमने कंडीशन दी आई जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए, आई जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए। ओके, और प्रिंट एफ में हमने क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ आई इज़ परसेंटाइल डी आई, और इंक्रीमेंट होएगा। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, पहले जीरो चला, जीरो 10 से छोटा है, जीरो प्रिंट हो गया, फिर आगे इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर 1, ऐसे चेक करते करते वो 9 तक पहुँच जाएगा कि द वैल्यू ऑफ आई इज़ 0, द वैल्यू ऑफ आई इज़ 1, ऐसे द वैल्यू ऑफ आई इज़ 9, यहाँ तक पूछने के बाद। अब 10 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन कि 10 इस 10 से छोटा थोड़ी ना होगा, क्योंकि ना हमने इसमें इक्वल यूज़ कर रखा। अगर इक्वल होता तो वो 10 तक चलता, हमने इक्वल यूज़ नहीं कर रखा तो इसलिए वो यहीं तक चलेगा। इसमें कंडीशन बस ध्यान रखनी है आपको, कंडीशन चेक करेगा वो इसमें। अब इसमें आइए, व्हाइल लूप में इसने कंडीशन चेक करी, कोड को देखा, और अपने उस हिसाब से वो प्रिंट करवाता रहेगा। अब देखिए, द ब्लॉक ऑफ कीप एग्जीक्यूटिंग एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ओके, तब वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो है यूज़ कैसे, जब जैसे हमें पता नहीं होता कि एन नंबर रहते हैं, तो वहाँ पर हम लूप लगाते हैं, व्हाइल लूप, कि हमें बहुत सारे होते हैं, है ना, या फिर हमें पता हो कि कहाँ तक इसे जाना है, ओके, कि कब तक इसे एग्जीक्यूट होना है। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये बाहर आ जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे व्हाइल लूप के फ्लो चार्ट के बारे में। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, सब चीज़ इनिशियलाइज करेगा, सबकी प्रिंट एफ स्कैन एफ कैसी है, सब चीज़ चेक करेगा। उसके बाद हमें कंडीशन पाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो इनसाइड कोड इनसाइड हो जाएगा, वो सब चीज़ चेक करेगा कि मतलब कि एग्जीक्यूट करेगा व्हाइल लूप के अकॉर्डिंग, कि जैसे अभी हमने चेक करा था वो आई जो है अगर 10 से छोटा होगा तो एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। जब 10 के बराबर पहुंच जाएगा तब वो एग्जीक्यूट नहीं होने का, ऐसे ही इसमें होगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। जब वो 10 हो जाएंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स होने के बाद एंड ऑफ द लूप हो जाएगा। ओके, व्हाइल लूप में बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।